ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 5 नवंबर 2018 सोमवार का दिन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जिसे धनतेरस के रूप में हम सभी मिलकर के मना रखते हैं। पूरे वर्ष हम धनतेरस का इंतजार करते हैं। नई वस्तु हमारे घर में खरीद करके इस दिन लाई जाती है। नए बर्तन, नया वाहन, नए ग्रह उपयोगी सामान का क्रय इस दिन हमारे द्वारा किया जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी सामान हम खरीद करके लाते हैं वह अमर और स्थाई और अमृत के समान फल देने वाला साबित होता है। तो आप भी अपने घर में नया सामान खरीद करके लाए और सायंकाल के समय माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज का पूजन अनिवार्य रूप से करें जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो सकेगा। तो आपको और आपके परिवार को धनतेरस की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपको दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हस्त नक्षत्र रहेगा, कन्या राशि में चंद्रमा इस दिन विद्यमान रहेगा। दिशाशूल जो कि पूर्व दिशा में रहेगा, पूर्व दिशा की यात्रा करना इस दिन नुकसानदायक माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु भी वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, कन्या और धनु ये 5 लकी राशियां रहने वाली है। इनको विशेष सौगात मिल सकती है, इनको धन लाभ का उत्तम संयोग बना हुआ है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशियों का राशिफल बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नौकरी पेशा लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। कारोबार में भी स्थितियां आपके अनुकूल होने की संभावनाएं बन रही है। आपके काम पूरे होंगे, धन लाभ और फायदा होगा। कुछ नए अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं। आप अपने काम से अधिकारियों को खुश करने की कोशिश में रहेंगे। आपको कोई गोपनीय बात पता चलने वाली है। खुश रहेंगे, पैसों की समस्या समाप्त होगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कोई भी फैसला सोच समझ करके करें। बिजनेस में सहयोग और फायदे के योग बन रहे। विवादों से बचने का प्रयास करें। नौकरी में साथियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। गाय को हरी सब्जी और रोटी दोनों खिलाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। धन लाभ का उत्तम योग आपके लिए बना हुआ है, लेकिन पुराने काम निपटाने में कोई बुराई नहीं है। सेहत से जुड़ी परेशानियां कुछ कम होने की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात का योग बन रहा है। नए अनुभव आपको होंगे। आप कुछ नई चीजें समझ सकेंगे। उलझे हुए मामले सुलझाने के लिए समय का साथ आपको प्राप्त होगा। अनजान लोगों से संभल करके बातचीत करें और उपाय के रूप में यदि दूध से बनी मिठाई का भोग माता महालक्ष्मी को लगाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। धन लाभ और पुराने सुरों से आपको फायदा होगा। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में दूर स्थान से संबंधित कारोबार या लंबे समय के निवेश से फायदा होगा। पुराना अटका पैसा मिलने का योग है। कोई बड़ा फैसला करने से पहले भरोसेमंद लोगों से सलाह अवश्य करें। जीवन साथी को समय दे। पार्टनर आपसे पैसों और सेहत के मामलों पर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। रोमांस के लिए दिन अच्छा है और दोस्तों की मदद से कोई खास काम जल्द ही आपका पूरा होगा। और उपाय के रूप में यदि आप हरे रंग का कोई भी कपड़ा लेकर उसमें हरे मूंग या हरे मूंग की दाल रख करके मंदिर में दान करेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। अपने कामकाज और रोजगार पर ध्यान दें। काम का तरीका बदलने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। रोजमर्रा के कुछ काम आपके पूरे हो सकते हैं। कोई भी काम आपको अच्छी प्रकार से करना चाहिए। समय पर ऑफिस पहुंचने का प्रयास करें। कामकाज में किसी को शिकायत का मौका न दें। रिश्तों के लिहाज से दिन अच्छा होगा। वर्तमान रिश्तों के मामलों में आप नई शुरुआत करने का मन बना सकते हैं। निजी और खास संबंधों की अनबन थोड़े बहुत समझौते करके आपकी सुलझ सकती है। किसी नए व्यक्ति से दोस्ती आपकी होगी। नया प्रेम प्रसंग शुरू होने वाला है। सभी को खुश करने का आपका प्रयास रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और उपाय के रूप में यदि आप चावल और शकर दोनों का दान किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कामकाज समय पर निपटाने का प्रयास करें। नौकरी या बिजनेस में धन लाभ की संभावना है और अपनी अभिव्यक्ति से, अपनी चतुराई से आप कार्यों में सफल होंगे। बहुत से मामलों में आप साथ काम करने वाले लोग जो है आपसे प्रसन्न रहेंगे। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है। किसी भी तरह के लिखित काम से आपको फायदा होने का योग है। सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना आपके लिए कारगर साबित होगा। आज बनाई गई किसी बड़े काम की योजना आपको जो है आगे चल करके सफलता देने वाली साबित होगी। नौकरी में परेशानियों का दौर समाप्त होगा। बिजनेस में रिस्क लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। कोई अचानक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसके कारण आपको लाभ भी हो सकता है। उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को यदि आप बेसन से बनी मिठाई भोग लगाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी महत्वपूर्ण और नजदीकी रिश्तों में नई हलचल हो सकती है। खर्चा करते समय खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको फायदा होगा। पैसा कमाने के कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। नया पार्ट टाइम काम भी आपको मिल सकता है। पुरानी चीजें आप बेच भी सकते हैं। परिवार और संतान की जरूरतों पर आपको ध्यान देना होगा। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश आपकी रहेगी। भौतिक सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेगी। कामकाज करने के तरीकों में आपका बदलाव भी हो सकता है। आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ सकती है जो कामों में रुकावट पैदा कर सकती है। इससे निपटने में आधे से ज्यादा दिन आपका समाप्त हो जाएगा। किसी भी ढंग से की गई बातचीत आज थोड़ी सुस्त रहेगी। और उपाय के रूप में यदि आप दूध की मिठाई का भोग भगवान गणेश जी को लगा करके भक्तों में प्रसाद बांटेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पुराने चले आ रहे मामलों को आप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। समय आपका साथ देगा। आज आप ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। खुद को पॉजिटिव रखने में आप सफल हो जाएंगे। प्रसन्न रहे और दूसरों को भी खुश करने का प्रयास करें। परिवार के कई मामले आज निपट सकते हैं। आज किए हुए ज्यादातर काम आपके पूरे होंगे। सुख और आनंद भी आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। घर में आपको जो है खुशियां मिलेगी। नया काम आपका शुरू हो सकता है। नया व्यापार आपका शुरू हो सकता है या फिर आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ भी हो सकता है। पुराने आपने जो भी काम किए हैं उसका भी आपको अच्छा प्रतिफल आज मिलने वाला है। उपाय के रूप में कच्चे दूध में पीले फूल डाल करके यदि आप पीपल के पेड़ में चढ़ाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आज आप समस्या पर खुली तौर से बात भी करेंगे। सफलता मिल जाएगी। परिवार से सहयोग आपको प्राप्त होगा। रिश्तेदारों से अच्छी खबर मिलने का योग है। कुछ लोग आपकी कॉपी कर सकते हैं। आज आप कई तरह की चीजों में व्यस्त रहेंगे। उत्साह और पूरे जोश से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता से संबंधों में सुधार होने का योग है। कारोबार के लिए दिन अच्छा साबित होगा। आज आप किसी तरह की जिद पर न अड़े रहे। फालतू खर्च भी आपका सकता है। उपाय के रूप में एक बादाम यदि माता महालक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आपको जो अनुभव होंगे वह आने वाले दिनों में काफी मददगार साबित होंगे। बेहतरीन क्षमता के दम पर आप बिजनेस में ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। किसी दोस्त के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। दोस्तों के साथ किसी गंभीर मामले पर आपका विचार विमर्श भी हो सकता है। ऑफिस में प्रसन्नता और अपनेपन के भाव के साथ कई लोग आपसे जुड़ सकते हैं। कोई प्रभावशाली और बड़ा पद मिलने की संभावनाएं आपके लिए बन रही है। पैसों की स्थिति पर विचार करें और भविष्य के लिए योजना बनाएं। साथ के लोगों की खुशी के लिए आप कुछ पैसा भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में यदि आप बेसन से बनी मिठाई माता महालक्ष्मी को एक पीले फूल के चांद चढ़ाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। पुरानी बातों से जुड़ा खुद को महसूस आप करेंगे। आज आप सकारात्मक रहेंगे। लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। नए लोगों से दोस्ती का योग बन रहा है। किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिलने वाली है। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। आत्मविश्वास से आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी खास काम के लिए आपकी डिमांड हो सकती है। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई खास काम पूरा करने के लिए थोड़ी भागदौड़ भी आपको करनी पड़ सकती है। उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
आज आपको आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं के कुछ अच्छे संकेत प्राप्त हो सकते हैं। कागजी काम, बातचीत और यात्राएं आसानी से निपट जाएगी। आप अपनी बात और काम के दम पर अपने कार्यों को जो है सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगे और लोगों को प्रभावित भी करेंगे। कुछ लोग आपकी मदद भी करेंगे। ऑफिस में अपने काम से खुद के साथ कंपनी या सरकार का भी आप फायदा करवा सकते हैं। पैसों के मामलों में खुद पर भरोसा रखें। लोगों के सहयोग से आपको फायदा होगा। शारीरिक और मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। उपाय के रूप में पीले कपड़े में पीला फल रख करके यदि आप मंदिर में दान करेंगे तो दिन आपके लिए अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। किए गए कामों से आपको फायदा होगा। जो काम आज समझ में नहीं आए उसे छोड़ भी सकते हैं, इससे नुकसान आपको नहीं होगा। उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। संबंध आपके मधुर होंगे। सामाजिक तौर पर आप एक्टिव रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। नए दोस्त भी आपके बनेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में आपकी सोच बदल सकती है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा। कोई बड़ा काम भी आपको मिल सकता है। उपाय के रूप में हल्दी का यदि आप तिलक छोटा सा मस्तिष्क पर लगा करके निकलेंगे तो दिन आपके लिए अति शुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।